সিটেট পরীক্ষাকে পশ্চিমবঙ্গে মান্যতা দেওয়ার দাবিতে চাকুলিয়ার কিছু স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের কানকিতে সভা। আজ উত্তর দিনাজপুর জেলার গোয়ালপোখর 2 নম্বর ব্লকের কানকিতে চাকুলিয়া এলাকার বেশ কয়েকটি সামাজিক সংগঠন এক জায়গায় একটি ছোট্ট সভা সম্পন্ন করলেন। এই সভায় তাদের আলোচ্য বিষয় ছিল সিটেট পরীক্ষায় দেশের অন্যান্য রাজ্যে স্বীকৃত হলেও পশ্চিমবঙ্গে স্বীকৃত নয় এবং এই পরীক্ষা দেওয়া প্রার্থীরা যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে না, তাই তারা পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জিকে অনুগ্রহ করেছেন সিটেট পরীক্ষাকে মান্যতা দিয়ে ওই নির্দিষ্ট পরীক্ষার্থীদের মান বজায় রাখুক এবং তাদেরকে বিভিন্ন সরকারি চাকরিতে সুযোগ সুবিধা প্রদান করা হোক। আসসালামু আলাইকুম, নমস্কার। আজ হাম লোক কানকি মে এক বহুতই আহম টপিক কো লেকর কে কি হামারে বঙ্গাল মে সিটেট কোয়ালিফাইড কো মান্যতা দি যায়। ইস টপিক পে বাত করনে কে লিয়ে মে মাস্টার আনজার সাহেব সে দাওয়াত দুঙ্গা কি ইস বাত কো আপ আগে বতায়ে। মাস্টার আনজার সাহেব, मेरा नाम हुआ मोहम्मद अंजार आलम। हम बात की जाए सीटेट की, तो सीटेट एक नेशनल लेवल का एग्ज़ाम होती है और यह सीबीएसई के द्वारा कंडक्ट की जाती है। और सीटेट क्वालिफाइड करने के बाद कोई भी एनबीएस, केबीएस, आर्मी टीचर, ईआरडीओ में भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ स्टेट गवर्नमेंट जॉब है जैसे बीटेट, यूपीटेट में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो बंगाल में सीटेट को मान्यता क्यों नहीं दी जाती है, हम लोग का यही डिमांड है। ठीक है, जब एग्ज़ाम इतना जेन्युइन तरीके से होता है तो बंगाल में सीटेट को मान्यता क्यों नहीं दी जाती है। अतः मेरा निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री से कि बंगाल में सीटेट को मान्यता दी जाए और जो भी क्वालिफाइड कैंडिडेट है उसको बहाली में शामिल किया जाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इसी टॉपिक पे बात करने के लिए मास्टर सबनूर साहब से दावत दूंगा कि आप इस बात को रखें। शुक्रिया अनवर भाई। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। आज हम लोग अंजार भाई की सदारत में सब कोई कानकी में जमा हुए और हम लोगों का एक ही मकसद है कि बंगाल में सीटेट को अलाउ किया जाए, क्योंकि अंजार भाई ने भी अभी बताया कि सीबीएसई के जरिया सीटेट सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्ट कराई जाती है, जो बहुत ही अच्छी एग्ज़ाम है। और इस सीटेट को बिहार गवर्नमेंट भी टीचिंग जॉब के लिए एलिजिबल कराते हैं। और मैं इसी बात को लेकर हमारे माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ जुड़ना चाहूँगा और हम लोगों का डिमांड रहेगा कि बंगाल में सीटेट को अलाउ किया जाए एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए, क्योंकि यहाँ एक बहुत बड़ा अभी मसला सामने खड़ा हो रहा है कि 3 साल 4 साल 5 साल के बाद एक टेट कंडक्ट कराया जाता है जिसमें काफ़ी बच्चे जो है डिप्रेस्ड हो जाते हैं। मैं इसी बात के साथ कहना चाहूँगा जितने भी कैंडिडेट हैं सीटेट पास किए हैं और जो देना चाहते हैं सब हम लोगों के साथ जुड़े, इंशाल्लाह हम लोग को एक दिन कामयाबी मिलेंगी। इसी बात के साथ मैं एक शेर अर्ज करना चाहूँगा कि मुसलसल काविशों से बना करती है तकदीरें, मुसलसल काविशों से बना करती है तकदीरें, जो थक कर हार जाते हैं उन्हें मंजिल नहीं मिलती। ठीक है, मेरे साथ हमारे दोस्त जुलकर्णी जुलकर 9 रेजा साहब हैं, वो दो बात रखेंगे आपके सामने। अस्सलाम वालेकुम, मैं बस यही बात रखना चाहता हूँ कि ये सीटेट जो सेंट्रल कराती है हर जगह, तो इसका मतलब वैलिडिटी दिया जाए बंगाल में भी। हमारे जो मतलब स्टेट है वहाँ नज़दीक में बिहार, उसमें भी बीटेट के बराबर उसको वैलिड दिया जाता है और उसमें बहाली की जाती है। तो मेरा भी गवर्नमेंट से यही अपील है कि 2021 के 31 जनवरी को जो एग्ज़ाम हुआ प्राइमरी का, उसमें भी सीटेट वालों को शामिल किया जाए। बहुत अच्छा। बस आखिरी ये बात करके मैं आपसे अलविदा चाहूँगा कि हमारे बंगाल में सीटेट का मान्यता हो, जैसे मास्टर अंजार साहब ने और मास्टर सबनूर साहब ने बताया और हमारे दोस्त जुलकर्णन साहब ने बताया कि बंगाल में सीटेट का मान्यता हो। हम अपने एजुकेशन मिनिस्टर हम सब यही अपनी बातों को रखेंगे आप अपीलन और डिमांड के तौर पर, और हम लोग हायर एडमिनिस्ट्रेशन और लोगों से ये बात को रखेंगे। और जितने भी सीटेट क्वालिफाइड हमारे इलाके में हैं या सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, तमाम एस्पिरेंट को हम लोग कहेंगे कि हम लोग के साथ आगे कंधा से कंधा मिलाए। इस बात को हम लोग मना के रखें कि नहीं, सीटेट की मान्यता हमारे बंगाल में हो। और रही बात पूरे बंगाल में सीटेट की मान्यता के लिए आवाज़ नहीं उठी है, लेकिन सबसे पहली बार पूरे बंगाल के उत्तर दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट के कानकी से आवाज़ उठी है हमारे अंजार भाई मास्टर सबनूर साहब के जेर प्रस्ती में। तो हम पूरे इलाके के पूरे हमारे बंगाल के वासियों को, हमारे नौजवानों को ये कहना चाहूँगा कि आप लोग भी आगे बढ़ें। और ये इतिहास है कि जो आज